फिर उसके बाद फिर मेरे दीदी ने फोन किया, तब बोल तब उन लोगों ने बोल रहा कि आप आ रहे हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, आपके बेटी ने सुसाइड किया है। फिर वो बोले ठीक है माँ तुम कोई टेंशन मत करो, तुम ये तुम्हार पापा भी खा लो, खा के मेडिसिन लेके सो जाओ, हम एकदम ठीक है। आदमी खड़ा हुआ है लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए। फिर हम शर्मिंदा है, फिर उसके बाद फिर मेरे दीदी ने फोन किया, तब उन लोगों ने बोल रहा कि आप आ रहे हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, आपके बेटी ने सुसाइड किया है। फिर वो बोले ठीक है माँ तुम कोई टेंशन मत करो, तुम ये तुम्हार पापा भी खा लो, खा के मेडिसिन लेके सो जाओ, हम एकदम ठीक है। जो आदमी जो किया है ये सब काम तो किसी ने किसी किया है ना, मेरा लड़की तो अपने आप गुजर नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको जो एम था वो गोल्ड मेडलिस्ट पाना चाहता था एमबी में, ये उसका एक सपना था। ठीक है, और हम लोग बार बार मीडिया को बोले हैं कि उनका शादी के प्लान हो रहा, हम लोग नवंबर में उनके शादी के सब प्लान प्रोग्राम कर रही, तो हम लोग बहुत बार बोले हैं ये। फिर वो बोले ठीक है माँ तुम कोई टेंशन मत करो, तुम ये तुम्हार पापा भी खा लो, खा के मेडिसिन लेके सो जाओ, हम एकदम ठीक है। बस यही बात हुई सर। 11:15 में माई असिस्टेंट सुपर का फ़ोन आया, मतलब मामी के फ़ोन में, कि आपका बेटी का तबीयत खराब है, आप लोग चले आइए। तो मम्मी ने पूछा कि क्या तबीयत खराब है, बुखार है क्या, तो फ़ोन काट दिया। फिर मेरे जो दीदी है उन्होंने फ़ोन किया, तो बोलते हैं क्या हुआ है मेरी बेटी का बोलिए, तो बोले हैं कि हम क्या डॉक्टर है, हम बोलेंगे हम ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वही बोलेंगे। फिर फ़ोन काट कर दिया। फिर उसके बाद फिर मेरे दीदी ने फ़ोन किया, तब उन लोगों ने बोल रहा कि आप आ रहे हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, आपके बेटी ने सुसाइड किया है। सारे वर्ल्ड का जो बाहर में जो भी हुआ है, हमारा जो दोस्त कोई दोस्त है उसने सब, हम तो बोला है सब मेरा लड़का लड़की का सामान है, जो आदमी इसको प्रोटेस्ट कर रहा है हम सब उसके साथ हैं। निर्भया के बाद कभी इतने लोग किसी एक के लिए एक साथ नहीं खड़े हुए थे, तो आदमी खड़ा हुआ है लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्या जस्टिस चाहते हैं? जो आदमी जो किया है ये सब काम तो किसी ने किसी किया है ना, मेरा लड़की तो अपने आप गुजर नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा मिले।